या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। मीज़ान भाई का सवाल ये है कि वीडियो बनाने का पैसा लेना कैसा। एनिमेशन वाली वीडियो होती है जो एनिमेटेड थ्री टाइप कार्टून टाइप वीडियोस होती है, उनको बनाकर उसका पैसा लेना कैसा। अगर किसी पार्टी के ऑर्डर पर वीडियो तैयार की जाती हैं और वीडियो बनाने में कोई भी खिलाफ शरिया बात नहीं है तो उसको बनाकर पैसा ले सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं कि जो 3D एनिमेशन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जनरल नॉलेज की समझाते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में भी समझाते हैं, या क्या चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक होती है या मोटर वगैरह से रिलेटेड होती है वो कैसे वर्क करती हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो 3D एनिमेशन के ज़रिए समझाते हैं कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है, यानी उसके पीछे का बेसिक साइंस क्या होता है। इस तरह की वीडियो जो है ना वो बनाई जा सकती है और इसको बनाकर अर्निंग भी की जा सकती है कि ये एक तरीके का आज के दौर में ये एक बिज़नेस मॉड्यूल ही है 3D एनिमेशन के ज़रिए वीडियोस को बनाना। या किसी कंपनियों को इसकी ज़रूरत होती है, 3D लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये जो है ना बिज़नेस आजकल बिल्कुल आम हो चुका है, यानी इसके अंदर कह लेंगे स्कोप इसके अंदर हो चुका है, ऐसे बिज़नेस भी इसके अंदर स्कोप हो चुका है बंदे के लिए। तो एनिमेटेड वीडियो बहुत सारे फील्ड में ज़रूरत पड़ती है, और अगर खुद किसी पार्टी को नहीं सेल करना चाहता, खुद के यूट्यूब चैनल पर डालना चाहता है, तो फिर ये देख ले उससे मतलब कोई ऐसी स्टोरी कोई ऐसी नसीहत सामने आती हो कि जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इस तरह के अगर एनिमेटेड वीडियो बंदा बनाए तो बना सकता है, क्योंकि जिसको एनिमेशन आता है एनिमेटेड वीडियो बना सकता है, तो वो हर तरीके की बना सकता है, खुराफाती भी बना सकता है और काम की लोगों के फ़ायदे की भी बना सकता है। बहुत से बच्चों की एनिमेटेड वीडियो होती हैं कि उसके अंदर उनको कुछ नसीहत वाली कुछ स्टोरीज़ वगैरह होती हैं सुनाने के लिए दिखाने के लिए, तो वो भी ठीक है। तो कोई ख़िलाफ़ शरीयत अगर बात ना हो तो ये वीडियो बनाकर इससे पैसा कमाया जा सकता है, ख़ुद के चैनल पर डालना चाहे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब से अपनी खताओं का शुमारा